वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों के दौरान भारत को अतिरिक्त 5 लाख आईसीयू बिस्तर, 2 लाख नर्स और 1.5 लाख डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी। सर्जन डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी ने भारत में कोरोना महामारी की स्थिति और बदतर होने का पूर्वानुमान लगाया है। देश के जाने माने डॉक्टर्स के पूर्वानुमान और मौजूदा स्थिति के लिहाज से युद्ध स्तर पर तैयारियों की जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। तैयारियों के स्तर पर देश गहरे संकट से जूझ रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। देश के जाने माने विशेषज्ञों की अब भी नहीं सुनी गई तो लाशों के ढेर हर जगह दिखाई देंगे। नारायण हेल्थ के फाउंडर डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी ने कोरोना संकट को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियों की पैरवी की है। डॉक्टर शेट्टी ने कहा कि भारत में 75 से 90 हजार आईसीयू बेड हैं, जो महामारी की दूसरी लहर के चरम पर पहुंचने से पहले ही भर चुके हैं। रोज 3.5 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ये संख्या 5 लाख तक जा सकती है। डॉक्टर शेट्टी ने कहा, हर संक्रमित मरीज के साथ 5 से 10 लोग ऐसे हैं जिनकी जांच नहीं हो रही है। भारत में अब रोज 15 से 20 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। डॉक्टर शेट्टी ने यह भी कहा कि देश में नर्सिंग के करीब 2.20 लाख विद्यार्थी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय नर्सिंग परिषद को इन विद्यार्थियों को अगले 1 साल तक कोविड-19 आईसीयू वार्डों में नियुक्त करने पर विचार करना चाहिए। इसके बाद उन्हें स्नातक का प्रमाण पत्र देना चाहिए। सरकार इन्हें अन्य सरकारी नौकरियों में भी प्राथमिकता दे सकती है। Entire headline discussion is about oxygen. No one anticipated that it is going to happen in such a remarkably short period of time. It is happening in India mainly because we are a young nation with large number of youngsters interacting, working, and they get infected because, of course, due to the nature of the virus. I'm sure with the industries and the government intervention, in the next few weeks, we will be able to sort out the problem of oxygen. I'm concerned, I'm sad, I'm apprehensive, but I'm not worried because I know that the industries of this country will wake up to address this reality. But I'm having sleepless night for the next headline. डॉक्टर शेट्टी ने कहा कि महामारी शुरू होने से पहले ही सरकारी अस्पतालों में 78% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी थी। उन्होंने कहा कि हमें कम से कम 2 लाख नर्सों, 1.5 लाख डॉक्टरों की अगले कुछ हफ्तों में जरूरत है, जो अगले 1 साल तक कोविड-19 मरीजों का इलाज कर सके, क्योंकि मौजूदा महामारी करीब 4 से 5 महीने तक रहेगी और उसके बाद हमें तीसरी लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। We are testing about 3.5 lakh people for every patient who's tested positive. There are minimum of 5 to 10 people who are positive but they are not tested. That means we are talking about at least over 15 to 20 lakh people who are getting infected every day in our large country. Statistically, 5% of the positive patients need ICU bed, irrespective of their age. That means we need to have at least 80,000 ICU beds daily, new ICU beds daily. उन्होंने कहा कि सैन्य बल द्वारा दुश्मन देश के साथ युद्ध के समय अपनाई जाने वाली नीति अपनाई जानी चाहिए। ये शांति काल नहीं है, ये युद्ध काल है। डॉक्टर शेट्टी ने कहा, अगर ये होता तो मैं आश्वस्त हूँ कि ये लड़कियाँ और लड़के कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई से जुड़ेंगे। ये लड़ाई मेरे उम्र के डॉक्टरों द्वारा नहीं जीती जा सकती है। आपको युवा लोगों की जरूरत है। इनमें से अधिकतर का टीकाकरण हो गया है और स्वाभाविक रूप से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इनकी बेहतर स्थिति है। इंडिया हैज ओनली 75,000 टू 90,000 आईसीयू बेड्स एंड ऑल ऑफ देम आर पैक्ड ऑलरेडी।
and patient enters the ICU, they spend minimum 10 days. So you can just imagine what the scenario is. Now, what we need to do? We need to create at least 5 lakh additional ICU beds in the next few weeks. Unfortunately, beds do not treat patients. We need nurses, doctors, and paramedics in that order. Government hospitals across the country had a shortage of 78% of medical specialists. डॉक्टर शेट्टी के पूर्वानुमान को केंद्र को हरगिज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देश विपदा की घड़ी से गुजर रहा है, ऐसे में आने वाले और बड़े संकट के लिए समाज को भी ज्यादा तैयार रहने की जरूरत है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।